इस गांव का नाम गोपालपुर है और गोपालपुर में इस कैंप का आयोजन किया जा रहा है और आयोजन जो किया जा रहा है तो इस कैंप का जो नाम है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य शिविर और मेले का एक दिन का आयोजन किया जा रहा है। सरकार की मंशा है कि पशुओं का इलाज पशु के द्वार पर हो, तो मैंने बताया कि पशु के द्वार पर होगा तो आज हम यहाँ बांझपन चिकित्सा करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, पशुओं से संबंधित रोगों की जानकारी देंगे, उनका इलाज बताएंगे। तो ये पशु जो बीमार होता है, पशु बीमार क्यों होता है या इंसान बीमार क्यों होता है, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। पशु बीमार होता है तब जब पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। आपने देखा होगा जब पशु ब्याता है, ब्याने के बाद पशु ज्यादा बीमार होता है, वही समय होता है जिस समय में सबसे ज्यादा पशु बीमार होता है, ब्याने के एक दो दिन बाद आपने अक्सर देखा। क्यों? क्योंकि उस टाइम में पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। तो पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बने, इस पर हम चर्चा करेंगे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए दो चीजों को हम गाँव में कर सकते हैं। पहली चीज, पेट के कीड़ों की दवा दे सकते हैं। पेट के कीड़ों की दवा दो टाइप की मिलेगी, एक वो दवा जो बाजार में मिलेगी, एक वो दवा जो तुम्हारे यहाँ ही है, घर पे ही है, लोग उसे नहीं जानते। आज मैं बता रहा हूँ, उस दवा का नाम है तूतिया कॉपर सल्फेट, जो हरे रंग का नीलत होता आता है, जो मिलता है 3 से 4 ग्राम, जो हम चूने में डाल के पोताई करते हैं, वो पेट के कीड़ों की दवा है, बहुत ही बेहतर दवा है। मुश्किल से 54 का तूतिया में आप भैंस के कीड़ों की दवा को, भैंस के कीड़ों की दवा खिला सकते हो। तो जो चाहता है देसी दवा खिलाना तो वो ये खिलाएगा, और अंग्रेजी दवा हमारे पास बहुत सारी है, आप जितने भी दवा कहोगे हम हर एक पशु को दवा देंगे। दूसरा है, पशुओं में मिनरल मिक्सचर की कमी हो जाना, पशु के अंदर नमक की कमी हो जाना। नमक की पूर्ति करने के लिए आपको चारों तरह के नमक लेंगे, आप आधा आधा किलो चारों तरह के नमक लेंगे और उस नमक के अंदर आप खड़िया मिट्टी मिलाएंगे और चावल पीस के मिलाएंगे। 5 किलो चावल पीसेंगे, 5 किलो खड़िया मिट्टी पीसेंगे और चारों तरह के आधा आधा किलो नमक मिलाएंगे और मिला के रख लेंगे, ये मिनरल मिक्सचर बन जाएगा। 300 ग्राम प्रति पशु को खिलाएंगे। जो पशु दूध कम दे रहा है वो दूध पूरा देने लगेगा, जो पशु ग्यावन नहीं हो रहा है वो पशु ग्यावन हो जाएगा, जो पशु जेल बच्चा फेंक देता हो अगर इसे खिलाओगे बच्चा नहीं फेंकेगा। जिस पशु को ब्याने के बाद कैल्शियम टूटने की बीमारी होगी वो कैल्शियम भी नहीं टूटेगा। ये एक ऐसा मिनरल मिक्सचर है जो आप घर पे बना सकते हैं, आसानी से रह सकते हैं। दूसरी बड़ी चीज है पशु का गर्मी में आना। पशु गर्मी में आता है, बांझपन की बहुत समस्या है। आज इस लेक्चर के माध्यम से मैं बताऊंगा कि पशु का बांझपन कैसे दूर किया जाए। पशु का बांझपन होता है अज्ञानता के कारण, ज्ञान के अभाव के कारण। अगर आपको पशु गाय या भैंस पतले फेंक रही है, पानी फेंक रही है, तो उसको आप नया नहीं कराते हैं। पहले, अब से पहले 20 साल पहले जब वो पतले फेंकती थी, रंभाती थी, चिल्लाती थी, तो अगले दिन का इंतजार करते थे, अस्पताल लेके जाते थे, भैंसे छुड़वाते थे, तो पशु ज्ञावन रुकता था। लेकिन आज की तारीख में अगर कोई पशु पतले फेंक दे या गर्मी में आ जाए तो आप क्या करते हो? आप करते ये हो कि आप उसे तुरंत डॉक्टर को फोन करते हो, डॉक्टर आता है और उसमें सीमन डाल के चला जाता है, वो ज्ञावन नहीं रुकेगी। क्योंकि गाय को 12 घंटे के बाद और भैंस को 12 घंटे के बाद और गाय को 18 घंटे के बाद सीमन छुड़वाना चाहिए तो वो रुकेगी। क्यों? क्योंकि जब आप क्या करते हैं, जब वो पतले फेंकती है, पानी फेंकती है, जब पतले और पानी फेंकती है तो क्या होगा, जब आप सीमन छुड़वाएंगे तो उस पानी के साथ सीमन बाहर को आ जाएगा, वो ज्ञावन नहीं रुकेगी। किस तरीके से नहीं रुकेगी, आप ये भी समझ लो, आप इस तरीके से ज्ञावन नहीं रुकेगी। अगर किसी खेत में आपने पानी लगा दिया, पलेवा किया है, तो पलेवा करने के बाद जब पानी सूख जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसकी जुताई करोगे, जब मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, गीली होगी, हल्की सूखी हल्की गीली होगी, तभी अगर आप उसमें बीज छोड़ोगे तभी जमेगा। अगर पानी में भी छोड़ दोगे तो जमेगा नहीं जमेगा। यही इस कैंप का उद्देश्य है कि आपको बताया जाए कि बीज कब छोड़ना है। बीज तब छोड़ना है जब पशु की गर्मी ठंडी पड़ जाए, पानी कम आने लगे। पानी कम तब आएगा जब 12 घंटे के बाद उसे नहीं कराओगे,
गाय को 18 घंटे के बाद कराओगे तो बांझपन की समस्या ही खत्म हो जाएगी, कभी भी ये समस्या आपके सामने नहीं आएगी। अब आज बांझपन की समस्या हमने खत्म कर दी। दूसरी समस्या क्या है, पशु बीमार की परिभाषा क्या है? मैं लोगों से कहता हूं आपका पशु बीमार है, किसान कह रहा है अच्छा खासा चारा खा रहा है, चारा खा रहा है उसके बावजूद भी पशु बीमार है, इधर से भी बना ना, चारा खा रहा है तब भी पशु बीमार है, वो कैसे पशु बीमार है? चारा खा रहा है तब भी पशु बीमार है, वो ऐसे बीमार है कि अगर पशु की आंख में से पानी आ रहा है और पशु चारा खा रहा है तो आप उसे बीमार नहीं समझ रहे, पशु फटाफटा गोबर कर रहा है तब आप उसे बीमार नहीं समझ रहे, चारा खा रहा है, पशु क्षमता के अनुसार दूध नहीं दे रहा है, उसकी दूध की क्षमता 20 लीटर है और वो दूध 2 लीटर दे रहा है लेकिन चारा पूरा खा रहा है तो आप समझते हैं कि ये पशु बीमार नहीं है। पशु को 1 साल के अंदर ब्याना चाहिए और पशु 1 साल तक भी ब्यावन नहीं हो रहा है तो वो पशु बीमार है। पशु रात भर खुजा रहा है तो पशु बीमार है, रात भर सींग खटखट मार रहा है तो पशु बीमार है। लेकिन किसान की नजर में बीमारी क्या है कि जब पशु चारा खाना छोड़ देगा तो बीमार होगा, नहीं ऐसा नहीं है। निरोग काया को रखना है, जरा सी चीज भी उसके अंदर कमी है तो वो पूरा दूध पशु नहीं देगा, पूरा दूध तब देगा जब सारी चीजें ठीक होंगी। सारी चीजें क्या होंगी, आपसे पानी नहीं आ रहा होगा, गोबर फटाफटा नहीं होगा, शरीर चिकना होगा, जब वो रात भर भैंस सींग मारेगी खटखट सींग मारेगी तो दूध कैसे बनेगा? दूध बनाने के लिए पशु का सोना अति आवश्यक है, जिस तरीके से आप सोते हैं तो अगले दिन फ्रेश तरो और ताजा होकर उठते हैं, और अगर आप नहीं सोते हैं तो अगले दिन आप तरो और ताजा नहीं होते हैं। आपको चाहिए कि आपको भैंस को ऐसी जगह बांधना चाहिए जहां मक्खी मच्छर ना हो, भैंस खुजाती ना हो, भैंस सींग ना मारती हो, तो आप देखोगे कि भैंस का दूध पूरा बन जाएगा। दूध के अंदर, दूध बनाने के लिए शरीर को शांति की जरूरत है, अगर शांति नहीं रहेगी तो वो दूध पूरा नहीं बनाएगा। तो आपको चाहिए कि पशु को मिनरल मिक्सचर खिलाना चाहिए, कीड़ों की दवा खिलानी चाहिए, और ये पहचान किस बात की, आंखों से पानी आना, फटाफटा गोबर करना, शरीर का नहीं पकड़ना, दूध का पूरा नहीं करना, ये लक्षण है पशु के पेट के अंदर कीड़े हैं। कीड़ों की दवा दोगे पशु के आंख से पानी आना बंद हो जाएगा, पशु पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएगा, जब पशु स्वस्थ हो जाएगा तो पशु स्वस्थ दूध देगा, जब आपके बच्चे स्वस्थ दूध पियेंगे तो बच्चे आपका कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। तो ये चीजें हम जो लेके आते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, हमारा उद्देश्य भी यही है आपको पढ़ाने का समझाने का। एक समस्या जेल प्लेसेंटा, अगर जेल फंस जाती है तो आप उसको जेल को हाथ से खिंचवा लेते हैं, जिस पशु की जेल को आप हाथ से खिंचवा लेंगे वो पशु दूध पूरा नहीं देगा, तो आपको चाहिए कि उसकी जेल का इंतजार करना चाहिए। कितना समय है जेल डालने का, आपके हिसाब से 4-6 घंटे है, मेरे हिसाब से 96 घंटे, 3 दिन 4 दिन 7, जब तक जेल नहीं डाले तब तक उसको जेल को हाथ से नहीं निकलवाना चाहिए। दुनिया का कोई भी डॉक्टर जेल को हाथ से नहीं निकाल सकता, क्योंकि जेल अंदर से निकलेगी नहीं, वो तोड़ ताड़ के खींच लेगा, आधी जेल अंदर रह जाएगी। आज इस राज को मैं खोल दूंगा एक गोष्ठी के माध्यम से कि आज के बाद आपको जेल नहीं निकलवानी, अगर आप जेल निकलवाओगे तो वो भैंस गाय उस ब्याज पे पूरा दूध नहीं देगी। तो वो कौन सी दवा है उस दवा का राज खोलूंगा। आखिर वो जेल क्यों नहीं डाल रही, मैं ठीक ठाक बोल रहा हूँ? बढ़िया सर जी, ऐसा लग नहीं रहा, ताली वाली नहीं बज रही ना, सब तो ताली के ही बहुत आने वाले हैं अभी। एक ने पूछा डॉक्टर साहब माँ और बीबी में क्या फर्क होता है, मेरी माँ और बीबी का अंतर ये होता है कि जब माँ अपने बच्चे के सिर पे बहुत प्यार से हाथ फेरती है तो बाल उग जाते हैं, और जब बीबी यही काम करती है जब हाथ फेरती है तो बाल साफ हो जाते हैं। अब देख लो माँ और बीबी का क्या फर्क है। और बोले डॉक्टर साहब उनको भी देखा जाए जिनके ज्यादा उड़ गए हैं, तो बोले ये देखा जाए कि उन्होंने बीबी के अलावा किस किस से हाथ फिरवा रहे हैं। हम तो कॉमेडियन हैं, स्टेज के कलाकार हैं, हम हर महफिल को जवाना जानते हैं, हर महफिल को सजाना जानते हैं। एक ने कह दिया कि डॉक्टर खान आप ये बताओ कि इतना अच्छा बोलते कहाँ से हो। मैंने बोलते क्या हो, हमारा तो सामने सारी चीज दिखाई दे रही है। एक ने कहा डॉक्टर साहब ये बताओ माँ ज्यादा प्यार बीवी ज्यादा प्यार करती है या भैंस ज्यादा प्यार करती है, प्यार लव मोहब्बत बताओ आप कौन ज्यादा प्यार कर रहे हैं, बीवी या भैंस? बीवी। बीवी प्यार कर ही नहीं सकती। मैं बता दे रहा हूँ कौन ज्यादा प्यार करता है, भैंस या बीवी?
मैंने साबित कर दिया, मैंने कहा भैंस ज्यादा प्यार करती है, बोले भैंस कैसे प्यार करती है, मैंने कहा आ जाओ भैंस कैसे प्यार करती है। अम्मा जी सुनना आपके लिए आइए, जो इंसान भैंस को चारा डालता है, जो इंसान भैंस की देखभाल करता है, जो इंसान भैंस को नहलाता है धुलाता है उसके साथ लगा रहता है, वो उसी के हाथ में पड़ जाती है, वो उसी को दूध देती है। अगर वो कहीं चला जाए दूध देगी नहीं, तो भैंस उससे क्या करती है? प्यार करती है। अब तुम औरत पे आ जाओ, अब औरत पे आ जाओ, अब तुम औरत पे आ जाओ, औरत को खिलाओ पिलाओ, साड़ी लाके दो, मिठाई खिलाओ, लेकिन जब तारीफ करने की बात आती है तो तारीफ अपने भैया ही करी, मेरा भैया नू, मेरा भैया नू। भैंस जिसका खाती है उसी से प्यार करती है, उसी को दूध देती है, और बीवी खाएगी तुम्हारा तारीफ करेगी भैया की, तो प्यार की परिभाषा ये है। एक ने कहा डॉक्टर साहब और बताइए, आपकी बातों में बड़ा दम है बताइए, तो मैंने कहा कि बताओ भैंस ज्यादा समझदार होती है औरत ज्यादा समझदार होती है? फिर सवाल उठा, फिर मैंने कह दिया कि भैंस ज्यादा समझदार होती है, बोले ये कैसे पहचानोगे भैंस ज्यादा समझदार होती है, साबित कर दो, मैंने कहा साबित करते हैं। जो इंसान जो अगर 100 भैंसे हैं और 100 भैंसे एक जगह बांध दी जाए और भैंसों के लवारों को मिला दिया जाए तो भैंस अपने लवारों को पहचानेगी नहीं पहचानेगी? पहचान लेगी, बिल्कुल पहचानेगी, बिल्कुल पहचान लेगी। 5 औरतें एक अस्पताल में भर्ती हो और 5ों के एक ही दिन में बच्चे पैदा हो जाएं और बच्चों को मिला दिया जाए, कोई भी औरत अपने बच्चों को पहचानेगी? तो समझदार औरत है भैंस, भैंस समझदार है। और लोगों ने पूछा कि डॉक्टर खान तुम ये तो बता दो कि भगवान ने औरत को इतना बेवकूफ बना दिया और भैंस को इतना समझदार क्यों बना दिया, ये तो बता दो। तो भाई चलो ये भी बताएंगे, ये भी राज की बात है, लेकिन आज ये भी हम खोल देते हैं। भैंस कैसे पहचानती है? नाक की सूंघने की शक्ति से कि मेरा ये लवारा है। भैंस ने कैसे पहचाना? नाक की सूंघने की शक्ति से मेरा लवारा है। काश औरत की नाक की शक्ति, नाक को इतना बड़ा बना दिया गया होता कि नाक की ताकत ज्यादा बढ़ा देती तो वो शाम को ही लड़ाई हो जाती जब घर घुसती, तुम दिन में किसे किसे छू के आए हो, किस किस के साथ रहे हो, इसलिए उसकी नाक को बंद कर दिया कि तुम किसी के साथ घूमते रहो, तुम्हारी 5 घर तक नहीं पहुंचेगा, नाक को बंद कर दिया गया। तो समझ लें, जान लें, देख लें, हमारा उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना, हंसाना, ज्ञान देना, बांटना, जो चीज हमारे पास है वो सारी चीज आपको देना। मैं बहुत